अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होगा और अल्लाह हमेशा अपना ही पजो हमान में रखे। आज एक बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत रिश्ते के साथ हाजिर हुआ हूँ जिनका ताल्लुक लाहौर से है। तो बरए मेहरबानी आप हजरात वीडियो एंड तक देखें ताकि मैं आपकी पूरा रहनमाई कर सकूँ और आपको समझा सकूँ। बहुत सारे दोस्त होते हैं कि वो आधी वीडियो देख के और फिर बाहर चले जाते हैं, तो फिर हमें फ़ोन करते या कमेंट्स करते कहते हैं मुझे रिप्लाई की जवाब नहीं मिला। तो इंशाल्लाह इसी वीडियो में आपको मैं पूरा समझाऊंगा और इसी वीडियो में उसी लड़की का व्हाट्सएप नंबर भी इंशाल्लाह शो कर दूंगा। तो आप हजरात रब्ता कीजिए इंशाल्लाह। और जो हजरात हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बरवक्त मिल सके। इनकी एक अजीब सी दास्तान है, सबसे पहले वो आपको मैं सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह आपको डिटेल बताऊँगा कि आपने कैसा रिश्ता करना है और कैसे रब्ता करना है। ये लड़की जो था, इन्होंने व्हाट्सएप पर फेसबुक पर किसी से दोस्ती किया और दोस्ती के बाद उन्होंने ऑनलाइन निकाह किया। ऑनलाइन निकाह कैसा हुआ? इनका कहना था कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पे फेसबुक मैसेंजर पे किसी ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा और तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट होने के बाद तो फिर वो मुझे मैसेज करता रहा लेकिन मैं रिप्लाई जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन फिर करते करते उन्होंने मुझे अपने हामी की कसम दिया। हामी की कसम देने के बाद तो फिर मैंने उससे बात करना शुरू कर दिया। तो फिर उसने मुझे कहा था कि मैं आपसे शादी करने वाला हूँ। तो वो लड़का दुबई में था, उनका अपना बिजनेस था, अपना कारोबार था, तो उसी लालच से इनके साथ दोस्ती किया। तो ऑनलाइन निकाह, इनका कहना था कि उन्होंने मेरे साथ ऑनलाइन निकाह किया। ऑनलाइन निकाह ऐसा हुआ कि वो कह रहा था आप मुझे कबूल है, ये जो भी चीज़ था उन्होंने मुझसे जैसा भी किया। लेकिन एक रात गुजारने के बाद फिर वो जो सब कुछ मैंने उसी तरह कर लिया लेकिन मुझे फंसाया गया और उसी तरह मैंने उससे निकाह किया, ऑनलाइन निकाह किया। और असल मुझे वो ख़र्चा भी देता रहा, मुझे पैसा भी बेचता रहा। तो इन लड़की का ताल्लुक़ बहुत गरीबाना घर से है, बहुत गरीब लोगों से ताल्लुक़ रखती है। तो इनका कहना था कि जब निकाह हुआ, जब वो पाकिस्तान आया तो एक दिन के लिए मेरे पास आया तो मुलाकात हुआ, रात गुजारा। उसके बाद वो लड़का फरार हुआ, अपना सारा कुछ नंबर बंद कर दिया। तो अब मेरे अपने घरों में अपना यानी अपना जो ख़ानदान है उसमें मेरा काफ़ी बहुत सारा बेइज्जती हुआ। तो लिहाजा इनका कहना है, इनकी व्हाट्सएप नंबर मैं शो कर रहा हूँ, आप हजरात रब्ता ज़रूर करें। इनका कहना है अगर कोई वकील साहब है मेरी मदद करना चाहते हैं तो हमारी मदद ज़रूर कीजिए ताकि मैं उसको पूरा से पूरा सज़ा दिला दूँ। क्योंकि ये खुद घरों में काम करता रहा, फैक्ट्री में भी इन्होंने काम किया और घरों में भी काम करते हुए अपने माँ बाप की अपने बहन भाइयों की पेट पाल रहा था। तो इनका कहना है कि उन्होंने मेरा 3 साल ज़ाया किया और मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया कि उसने अपने रिश्तेदारों में अपना ख़ानदान में उन्होंने मेरा काफ़ी बहुत बेइज्जती किया। लेकिन अब मुझे काफ़ी बहुत सारा दुख है। तो इनका कहना है अगर कोई वकील है तो प्लीज़ बरए मेहरबानी आप हमारे साथ मदद कीजिए। तो इसी वीडियो में वो उनका कहना है कि मैं अब शादी के लिए तैयार हूँ, जैसा भी हो, अगर हो तो लाहौर से हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मतलब यानी कि आस पास करीब कोई सा भी हो तो मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ और शादी करूँगी उससे। तो इनका कहना है कि ये बहुत गरीबाने घर से ताल्लुक़ है। इनकी नंबर मैं इसी वीडियो में शेयर करता हूँ और आप इन्हें नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स भी करें और अच्छा सा खूबसूरत कमेंट्स करें। आपकी कमेंट्स कहीं ज़ाया नहीं जाएगा जब तक इंशाल्लाह इस चैनल पर वीडियो होगा तो आपकी कमेंट्स पड़ा होगा। तो शायद अगर इनसे आपकी बात ना बन सकी तो मज़ीद बाकी बहुत सारे ऐसे ख़वातीन होते हैं जो वो आपके अच्छे कमेंट्स दे के तो आपसे शायद वो रब्ता करेगा। तो इंशाल्लाह काम तो हमारी रब करता है लेकिन मेहनत करना हमारी शर्त है। और अच्छे प्यारे से कमेंट्स लिखे, उसमें अपना हुनर है या अपना कारोबार, अपना इलाका लिखे, तो वो कमेंट्स देख के उससे भी मैंने यही कहा है तो कमेंट्स दे के शायद आपको रिप्लाई जवाब देगा। और इनकी व्हाट्सएप नंबर भी मैं शो करने वाला हूँ। तो एक दरख्वास्त है आप लोगों से, खुदा वास्ता, खुदा के वास्ते
अगर शादी नहीं करना चाहते जो भी हजरात है तो उसे प्लीज़ खुदा रहा इससे तंग ना करे। अगर कोई इनकी मदद करना चाहता है या पैसों की लियास या कुछ भी, इनका जेज कैश अकाउंट भी है इसी नंबर पे और इनकी व्हाट्सएप नंबर है। खुदा रहा इससे तंग ना करे फजूल। अगर आपकी शादी की मूड है तो आप इनसे बिल्कुल रब्ता करें। ये उनकी व्हाट्सएप नंबर है, आप रब्ता कर सकती हैं। इनकी ताल्लुक है लाहौर से, इनसे इनके साथ पहले भी धोखा हो चुका है। तो प्लीज़ खुदा रहा भाइयों, मैं आप लोगों की आज्ञा छोड़ता हूँ कि प्लीज़ अगर शादी नहीं करना चाहते तो फजूल तंग ना करें, ठीक है। तो मैं तो कुछ शो नहीं करवाना चाहता था। इनके व्हाट्सएप नंबर, इनके मोबाइल नंबर, इन्होंने मुझे कहा था कि प्लीज़ भाई आप शेयर करें। तो उन्होंने कहा था कि इंशाल्लाह कुछ ऐसा नहीं होगा, आप नंबर शेयर करें। तो मैंने आप लोगों के सामने नंबर शेयर कर दिया। खुदा रहा आप इसे तंग ना करें। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिए। और बस यही हमारे वसीला है हमारी दिल खुश करने के लिए, वीडियो को लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। और मज़ीद हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारे ख्याल रखें और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।